इंदौर शहर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में भाजपा प्रत्याशी का जोरदार स्वागत के साथ पुष्प वर्षा और आरती कर मतदाताओं ने तिलक लगाकर जीत का आशीर्वाद दिया। इस दौरान शंकर लालवानी ने कहा कि मोदी जी विश्व का स्वाभिमान है और भारत की शान है, इसलिए उन्हें पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में हुए जनसंपर्क के दौरान शंकर लालवानी ने बड़ी संख्या में जन समर्थन जुटाया। वहीं महिलाओं और युवाओं में भी भारी उत्साह दिखाई दिया। शंकर लालवानी ने क्षेत्र क्रमांक 3 के विभिन्न वार्डों में अपना तूफानी जनसंपर्क किया। अनेक नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी लालवानी ने कहा कि विश्व में भारत के स्वाभिमान और देश के विकसित विकास के लिए भाजपा की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए 19 मई को अपने सारे काम छोड़कर कमल के बटन को दबाए, देश में सशक्त और ईमानदार सरकार बनाए। आज ये स्वागत रखा है हमारे मित्र भरत भाई जी, हरप्रीत जी, सज्जन सिंह विलवाड़ी जी, हमारे नंदू पांचाल जी, पांचाल परिवार, पूरा सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर भाई और बहनों, ये चुनाव देश की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है। नए भारत के निर्माण के लिए, स्वाभिमान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए चुनाव है और इस चुनाव में हम सबको भारतीय जनता पार्टी के कमल पर बटन दबाना है और फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। यही निवेदन करने के लिए आज हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में आकाश जोड़ के नेतृत्व करें हैं। बंधुओं, एक और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी और दूसरी ओर हमारे दूसरे विपक्ष के 17 दलों का गठबंधन है। ये गठबंधन ही एक ठगबंधन है और जिस प्रकार हर दिन नया प्रधानमंत्री प्रत्याशी विरोध विपक्ष में आता है, कभी राहुल गांधी, कभी ममता, कभी मायावती, कभी मुलायम सिंह, कभी अखिलेश यादव, कभी चंद्रबाबू नायडू, कभी शरद यादव, ऐसे उनके बाद 17 दल है और 17 नेता है और हमारे पास एक ही शेर है, वो है नरेंद्र मोदी। और इस अवसर पर मुख्य रूप से नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा, चुनाव संयोजक व विधायक रमेश मेंदुला, विधायक आकाश विजयवर्गीय, प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा, कमल बाघेला, सुमित मिश्रा, सतीश शर्मा, नानुराम कुमावत, जगमोहन वर्मा, हरप्रीत सिंह बख्शी, कमल वर्मा, शोभा गर्ग, दीपिका नाचन सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।